हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो आज हम इस थ्री टक्स ब्लाउज को सबसे सिंपल और आसान तरीके से कटिंग करना और सिलाई करना आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमने लिए है अस्तर पीस और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसके चार फिर डबल फोल्ड करेंगे और 32 चेस्ट के लिए हमको करना है 32 का चौथा भाग। तो उसका हुआ 9 इंच। तो हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 32 का हुआ 9 इंच और इसके बाद हम इसकी फिटिंग के लिए 1.5 इंच इसमें प्लग जोड़ेंगे। तो ये हो गया 10.5। और उसके बाद फिर हम इसकी शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमको लेना है 5.5। और इसकी आर्मोन्स भी हमको 5.5 ही लेना है। तो ये हो गए हमारे आर्मोन्स। और इसके बाद हमको इसमें 1 इंच का गोलाई के लिए निशान लगाना है। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो ये है हमारी 13। इसकी कंप्लीट लेंथ है 13। तो हम इसमें आगे पीछे के भाग दोनों साथ में काटेंगे, इसलिए हम लेंगे इसका 14। अब इस 14 पे निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इस निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इस दोनों भाग को एक साथ कटिंग कर लेना है और इसके बाद दोनों भाग को इस तरह से अलग अलग कर लेना है। अब हमने दोनों भाग अलग अलग कर लिए हैं तो हम इसमें से एक भाग लेंगे, जिसमें से एक भाग है हमारा पीछे का। तो ये पीछे का भाग है और इसकी लेंथ हमें लेनी है 30। तो इसमें से हम 1/2 इंच कटिंग कर देंगे, क्योंकि पीछे का भाग में कोई सिलाई बीच में सिलाई नहीं लगेगी, इसलिए 1/2 इंच इसको हम निकाल देंगे। और उसके बाद इसकी कमर है हमारी 27 इंच। तो 27 का हमारा हुआ 7.5। 7.5 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ हमारा फिटिंग के लिए आएगा 8.5 इंच। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब इसको हम एक तरफ कर देंगे और आगे का भाग तैयार करेंगे। अब आगे के भाग के लिए हमको नीचे का बेल्ट निकालना है, तो उसके लिए हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच में और पीछे की साइड कमर में हमारा लगेगा 2.5 इंच। और अब हम इस निशान को मिला लेंगे। और इस तरह से कटिंग करके इसे अलग कर देंगे और इस तरह से इसमें छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमको याद रहे कि हमारा ऊपर का भाग। और अब हम इसका आगे का गला तैयार करेंगे। इसके लिए हम इस लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे हम 5.5। और अब इस तरह से हम इसमें गोलाई देंगे। और दोनों भाग को अलग अलग कर लेंगे। ये हो गया हमारा आगे का भाग और ये हुआ हमारा पीछे का भाग। अब हम इसकी आस्तीन तैयार करेंगे। अब हम इसकी आस्तीन तैयार करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई है हमारी 5 इंच। तो जिस 5 इंच है तो इसके लिए हम इसकी लंबाई लेंगे 6 इंच की, 6 इंच। और नीचे लेंगे हम इसका 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ है हमारी इसकी लेंथ 8 इंच। 8 इंच के बाद हम इस पे लगाएंगे 3 इंच पे निशान और इस तरह से इसे मिला लेंगे और इसे इस तरह से गोलाई का शेप देकर
ये हमारी अस्तिंग की कटिंग। और अब हम इस कटे हुए अस्तर पीस को इस पीस पर काटेंगे। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और अब हम इस तरह से पीछे के भाग को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। अब इसमें हम पीछे का गला गले का निशान लगाएंगे। हमें पीछे का गला लेना है 2.5 इंच का और इसकी लंबाई है हमारी 9 इंच। और इस तरह से हम इसे खींचेंगे 9 इंच पर और 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसे हमें इस तरह से गोलाई देना है और फिर इसे कटिंग कर देना। तो ये हमारा पीछे का भाग कट चुका है, इसे हम एक तरफ कटा देंगे और अब हम इसमें आगे का भाग निकालेंगे। हमारा ये आगे का भाग इस तरह से रखेंगे। ये हमारा आगे का भाग है, हम इस तरह से इसे सेट करेंगे और इसे निशान लगा लेंगे। आगे का भाग कट चुका है, अब हम इसमें बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ से हम अपना बेल्ट निकालेंगे, बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग से निशान लगाएंगे। और अब हम इसमें निकालेंगे अस्तीन। तो इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे 4 धागे और इस तरह से रखेंगे अस्तीन और फिर इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको हमारा तरीका आसान लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।